फोर देखिए क्या कर रहा है, इफ टू प्लस रूट थ्री इज रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, देन द राइट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, पी एंड क्यू का वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखिए हमारे पास एक रूट यहाँ पे दिया हुआ है टू प्लस रूट थ्री, टू प्लस रूट थ्री, तो अदर जो होगा टू माइनस रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है, ये टू रूट्स हो जाएंगे। तो अगर हम लोग बात करें सम ऑफ रूट्स की, सम ऑफ रूट्स की, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो एक्स नेगेटिव ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट बाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये इससे कट जाएगा। फोर इक्वल टू में माइनस का पी, यानी कि पी इक्वल टू में माइनस फोर, और देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे इक्वल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कॉन्स्टेंट और बाई में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, या प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ फोर माइनस का थ्री, यानी क्यू का वैल्यू वन आ जाएगा, तो क्यू का वन और पी का माइनस फोर हो जाएगा, समझ गए।